हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं राजवीर यूनिवर्सिटी अपडेट। अगर आप सभी प्रमोटेड या फेल स्टूडेंट हैं, 19 से 22, 20 से 23 सेशन की छात्र हैं, अगर आप सभी 21 से 24 सेशन की छात्र हैं, पिछली ईयर आप सभी की एडमिशन ली गई थी, आप सभी जानते ही होंगे, तो बहुत गुड न्यूज आ रही है आप सभी के लिए। अगर आप सभी रजिस्ट्रेशन कार्ड, अगर आप सभी एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जाम डेट आप सभी को अनाउंस कर दी गई है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, जो बात की जाए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगी। अगर आप पहली बार होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि इस तरह की अपडेट उनको भी मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट प्रमोटेड फेल है वो क्या करेंगे। अगर आप सभी पार्टों के एग्जाम में प्रमोटेड फेल स्टूडेंट होंगे तो आप सभी पार्टों के एग्जाम दे सकते हैं 21 से 24 सेशन के साथ में। अब बात करते हैं 21 से 24 सेशन की छात्र के लिए। अगर आप सभी एडमिशन ले रखे हैं तो आप सभी अपने अपने कॉलेज में जरूर जाए एडमिशन रसीद लेकर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कार्ड लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड आप सभी कॉलेज में दी जा रही है, सारी कॉलेज में भेज दी गई यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप सभी रजिस्ट्रेशन कार्ड ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर आप सभी उस चीज़ को जीरोक्स कराकर फोटो और सिग्नेचर आप सभी देनी होगी कॉलेज में, उसके बाद आप सभी कॉलेज की तरफ से फॉर्म दी जाएगी आप सभी को एग्जामिनेशन फॉर्म, उसका एग्जामिनेशन फी आप सभी को जमा करनी होगी काउंटर पर जहां आप सभी को एडमिशन रसीद दी गई थी। तो सारी प्रोसेस यहां तक समझ में आ गई होगी, उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, वो सारी आप सभी को जमा करनी होगी आप सभी को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर आप सभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तभी आप सभी पार्ट वन के एग्जाम देंगे, जो आप सभी एग्जाम 11 अक्टूबर से होने वाली है, जो ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है। बात करते हैं आप सभी एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक फिलअप कराई जाएगी, तो वहीं आप सभी को 16 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आप सभी को फॉर्म फिलअप कराई जाएगी, वही विलंब शुल्क के साथ आप सभी को 500 रुपये रखी गई। अगर आप सभी इस डेट के बीच में फॉर्म नहीं फिलअप करते हैं तो आप सभी को डेट के अंदर अंदर में आप सभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर ही दे। तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गई होगी, तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे। एक छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए, अगर आप सभी पार्ट वन के एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी अपने स्टडी में लग जाएं, क्योंकि आप सभी को बहुत कम समय है। अब अगर आप सभी टॉप 10 क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, टेलीग्राम को वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब को आप सभी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से आप सभी को टॉप 10 क्वेश्चन दी जाएगी आप सभी को यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे होंगे तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब के लिए अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की अपडेट मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।